हो गया तो आप गलती करोगे, गलती बोलोगे, कहता है ये तो मेरे को पढ़ाया ही नहीं गया। ये सारी जो गेम है सामने वाले को बीमार करने के लिए है। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी ये ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज का सेशन बहुत पावरफुल था। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को चेंज करना है, गलत खाने के साथ सही खाने को चेंज करना है, खराब टाइम जो आप करते हो उसको सही यूज करना है। ये सब कुछ ही चेंज होएगा, सिर्फ खाना चेंज नहीं होएगा लेकिन ये जुड़ा सब खाने से हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें एक्चुअल में ग्रंथों में लिखी गई हैं लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमें हमें समझाया सही नहीं गया है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये अगर एक बात आपको समझ आ गई तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर खाना गलत होएगा तो मन चेंज हो गया तो आप गलती करोगे, गलती बोलोगे। और अगर जिस खाने में फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, तो उससे हमारी बॉडी में फैट बढ़ेगी। जब आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, फैटी लीवर हो जाएगा, विसकर फैट बढ़ जाएगी, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगी, पीठ में दर्द हो जाएगा। और फिर हम उसकी मेडिसिन खाएंगे। जब हम उसकी मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन दो ही चीजों की होती है, एक तो पेन किलर उसको और ठीक करेगी और एक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम से सेव करेगी कि थोड़ी देर वो उसको दबाया जा सके। जब हम मेडिसिन खाएंगे तो हमें गुस्सा ज्यादा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो घरवाली से या बच्चों से झगड़ा होएगा। जब घरवाली से झगड़ा करके आप सुबह काम पे जाओगे तो जाके बॉस से लड़ोगे या कस्टमर से लड़ोगे। पहले तो आपकी सेहत खराब हो गई, पहले खाना खराब हुआ, फिर सेहत खराब हो गई, फिर रिश्ते खराब हो गए और फिर बिजनेस खराब हो गया, और ये तीन चीजें खराब हो गई तो फिर गोल हो गया, समझ लो जिंदगी खराब हो गई है। तो आपको समझना स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वो है हमारे खाने पीने से और हमारी फिटनेस से। आप चेक करो, ओवरवेट इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है। और ये ग्रंथों में हर चीज लिखी गई है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है, जे रत लग गए कपड़ी जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा क्यों कर निर्मल चीत। अगर आपके कपड़ों पे ब्लड लग जाता है तो आप उनको पहन नहीं सकते हो, जितने मर्जी कीमती हो, खून लग गया तो आप फेंकोगे। और अगर अंदर खून जाएगा तो आप शांत नहीं रहोगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको आप अगर गुस्सा आएगा तो किसी ना किसी पे तो फिर निकलेगा ही। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, हमने हर काम किसी से सीखा है। अगर आप LLB कर चुके हो तो आपको उस इंसान ने पढ़ाया जिसने पहले LLB की थी। अगर आप MBBS MD डॉक्टर बने हो तो आपको उस इंसान ने पढ़ाया जो पहले MBBS MD पढ़ के प्रोफेसर लग चुका है। अगर आप CA बने हो तो आपको उस इंसान ने पढ़ाया जो पहले CA पढ़ चुका है और प्रोफेसर है। अगर आपने कार चलानी सीखी है तो उस इंसान ने सिखाई जिसको आती थी। अगर आपने पानी में स्विमिंग सीखी है तो आपको उस इंसान ने सिखाया जो ट्रेनर था। ना तो आपके फादर ने सिखाई स्विमिंग, ना मदर ने सिखाई, ना फुफ्फड़ ने सिखाई, ना चाचे ताए ने, ना आपके यार दोस्तों ने। तो आप समझो आपको सीखना किससे है जिसको वो आता था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब कोई बंदा LLB करता है तो उसका जो माइंड सेट होता है वो 10-20 हजार रुपए की जॉब ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब वो 3 साल किसी एडवोकेट के पास लगाता है फिर वो वहां से क्या नोट करता है कि छोटा सा केस आया, इसने 1 लाख रुपया मांग लिया और सामने वाले ने दे दिया, और फिर इसने बोला कि जब कस्टमर आएगा मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को फोन करके बुलाना, बोलेंगे एडवोकेट साहब बिजी हैं, वो बाद में आएंगे, 15 मिनट उसकी वेट कराना। फिर एडवोकेट आके बोलेगा जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, 2 मिनट में बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये जब वो बंदा सारा कुछ वहां पे बैठ के 3 साल में सीखता है तो वो कहता है ये तो मेरे को पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो मैंने किसी कॉलेज स्कूल में सीखा ही नहीं है। तो आपको समझना है, आप LLB करके 10 लाख 20 लाख रुपया नहीं कमा रहे हो, आपने जो वो 3 साल एडवोकेट के साथ लगाए हैं उससे आपके ब्रेन ने उठाया है, उससे आपके ब्रेन ने बोला है कि मैं भी कर सकता हूं, यार ये कर रहा है फिर मैं ये तो बातें मैं भी करूंगा। तो आपको समझना है, हमने हर काम उस इंसान से सीखा, उनमें जाके रहे। कोई भी डॉक्टर MBBS करने के बाद ब्रेन का ऑपरेट नहीं कर सकता, वो 3 साल पहले डॉक्टर के साथ खड़ता है, वहां पे देखता है, फिर धीरे धीरे करने लग जाता है, फिर उसका ब्रेन उठा लेता है। हर हर आप CA पढ़ चुके हो, आपको CA के साथ 3 साल लगाने हैं, फिर आप सिर्फ स्टडी काम नहीं आएगी, सिर्फ सुना हुआ काम नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हर मीटिंग में आना है,
जब आप देखते हो कि यार ये लेडीज कर गई है, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है यार, इसकी उम्र भी ज्यादा है, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। अगर आपके ब्रेन ने ये बोल दिया कि मैं कर सकता हूं तो हो गया, फिर कोई रोकने वाला आपको पैदा नहीं हुआ। अगर इसने बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर इसने बोला कि यार मैं 10 लाख रुपया महीना कमा सकता हूं तो आप कमा सकते हो। लेकिन अभी तक क्या भरा हुआ था, मैं तो मोटा हूं, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, मेरे से चाय नहीं छोड़ी जाती। मतलब देखो नॉर्मल इंसान क्या बातें करता है, चाय नहीं छोड़ी जानी, मैं अखबार ना पढ़ू ना मेरा पेट नहीं साफ होता। ले साला ये कौन सी रॉकेट साइंस है, ये किस किस कॉलेज में पढ़ाया गया आपको? आप सोचो कि लोगों का मेंटल हेल्थ कहाँ पे प्रॉब्लम है, और जिंदगी प्रॉब्लम में पता क्यों है? लड़की की शादी हो गई, उसको पता नहीं सांस से बात कैसे करनी है, दिल तो उसका करता है कि मैं इसको थप्पड़ मारूं, और कहाँ जा रहा है इसके पांव छूऊं, आपको समझ आ रही है? और सास का दिल करता है कि यार ये कैसे लेक्चर कर रही है, और हस्बैंड कहता है इसको आशीर्वाद दो, ध्यान से बोलना 498 हो जाएगी, जमानत नहीं है। तो ये चल क्या रहा है इस कंप्यूटर में, जो ये चाहता है आप कर नहीं पा रहे, और इसको बोलते हैं डिप्रेशन। मैं तो चाहता हूं हर बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए, शादी उस इंसान की होनी चाहिए जिसने 6 महीने का शादी का पहले कोर्स कर लिया हो। लड़की की शादी तब करो, पहले उसको ट्रेंड करो कि सास से बात कैसे करनी है, ससुर से कैसे करनी है, देवर से कैसे, जेठ से कैसे। नए बंदे को सारा चक्कर में डाल दिया है, 25 किलो का लहंगा डाल दिया है, मेकअप इतना कर दिया, ओरिजिनल छुपा दिया, और बोला करो रोल, जो पिक्चर के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और लड़की 2 साल में पागल हो जाती है ये सोच के मैं किसकी इज्जत करूं, किसकी इंसल्ट करूं, कौन बड़ा है। 15 लोग खड़े हैं, सबके पांव छू दे, उसकी कमर में दर्द होने लग जाती है। साला पहले 25 किलो का लहंगा था, उसका चेंज करा दो। और ये सारी की सारी जो गेम है सामने वाले को बीमार करने के लिए है। 25 साल में पागलों की तरह रनिंग करता रहा, जिम जाता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, बड़े बड़े ट्रेनर मेरे को सिखाते रहे कि वेट कैसे कम करना है, 72 से 92 हो गया। 25 साल में एक बार मेरे कंप्यूटर में नहीं आया कि तुम रॉन्ग लोगों में हो, एक बार नहीं आया। आप गूगल पे लुधियाना से दिल्ली जाते हो, उस पे आता है 6 घंटे 40 मिनट, आधे घंटे के बाद वो हो जाए 6 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे के बाद हो जाए 7 घंटे। आप गाड़ी रोक लोगे कि रोक यार गलत जा रहे हैं। और जिंदगी में लोग गरीब होते जा रहे हैं, अनहेल्थी होते जा रहे हैं, और पहले से रिश्ते खराब होते जाते हैं, कोई रोकता ही नहीं गाड़ी अपनी कि यार 1 मिनट रोक, तू चेक तो कर ले इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये हर रोज ये बढ़ क्यों रहा है, इसकी जड़ में तो चले जाओ। तो ये सब कुछ आपको चेंज करना है। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप स्वर्ग की लाइफ जी सकते हो, एक ही इंसान चेंज होएगा, वो आप खुद, दूसरा इस दुनिया में कोई चेंज नहीं होएगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी सेहत किसी रिश्ते से खराब है, मैं गरीब किसी इंसान की वजह से हूं, मैं फिट किसी की वजह से नहीं हो रहा, मेरा वजन किस इस कारण से नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक गुरु मंत्र सिखा देता हूं। अगर इस कॉल पे जितने लोग हैं, अगर उनका वेट कम नहीं होता तो लिख लो, आप इस कॉल पे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, 2 टाइम शेक पी लो, भगवान की फोटो पे हाथ रख दो, अगले 90 डेज 2 टाइम शेक, मतलब रात और सुबह का शेक पी लो, 10 साल में एक इंसान नहीं मिला मेरा जिसको वेट कम नहीं होता, ये लिख लो। आप गलत कर रहे हो, आपका कोई मेंटर नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं है, आप ब्रेन ज्यादा चला रहे हो, और वो ब्रेन चला रहे हो जिसने पहले आपको भिखारी बना रखा था। आपको उसको यूज नहीं करना है, आपको अपने हर ग्रंथ में लिखा है गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर आप दिल से कुछ करने लग जाओगे तो आप इस दुनिया पे राज कर सकते हो। नॉर्मल नॉर्मल लोग, जब आप हर्बल लाइन में आए थे तो देखो कैसे वेट लॉस हो रहा था, कैसे आपके साथ लोग जुड़ रहे थे, जैसे जैसे आप समझदार हो गए लोग आपसे जुड़ना बंद हो गए, लोग आपको छोड़ने के जाने लग गए, आपका ब्रेन ही काम नहीं करता कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। आपको यह समझ ही नहीं आ रहा कि अभी मैं समझदार नहीं हुआ हूं, अब मैं गलत कर रहा हूं। अगर आप सही करते तो पहले से वेट ज्यादा लॉस होना चाहिए था, लोग और जुड़ने चाहिए थे। तो अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो गाड़ी को रोक दो और अपने स्पॉन्सर को फोन करो कि मैं पागल हो गया था 4 महीने के लिए, 4 महीने से मेरे को लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, लिखो। जब भी सिस्टम को तोड़ोगे आपका वेट बढ़ेगा और आपका वेट रुकेगा। और मैं कभी नहीं बोलता, मेरे को ना लोग 1.5 1.5 साल से बोल रहे हैं कि मेरा इतना वेट कम हो गया, मैं एक बार नहीं बोलता कि वेरी गुड, आई लव यू, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको समझना है, अगर आपका ब्रेन वेट कम कर सकता तो आप पहले आइडियल वेट पे होते,
अगर आपका ब्रेन आपको अरबपति बना सकता होता तो आप पहले होते। इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ, इसमें आपको दो लोग मिले हैं, एक ये सिस्टम, एक आपके मेंटर, एक प्रोडक्ट। इसको ईमानदारी से यूज करो, आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। 10 साल से लोग गेट टीम पे रुके हुए हैं, 10 साल से 1,000 रॉयल्टी नहीं होती। समझदार हो गए, नॉलेज बहुत हो गई है, वजन कम नहीं हुआ। मीटिंग पे आते हैं, 4 घंटे की मीटिंग है तो 3 घंटे वो बाहर हैं। वो सारे ही बाहर हैं जिनकी रॉयल्टी कम है, जिनका वजन कम नहीं हो रहा। और हम लोग हर मीटिंग में पागलों की तरह कॉपियों पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इसको अभी डबल करना है, हमको अभी और सीखना है, आपको समझना है। जब भी आपका कुछ रुकता है तो आप चेक करो प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर वो बढ़ रहा है तो अपने आप को रोक दो। कोई वेट नहीं रुक सकता, कोई आपकी ग्रोथ नहीं रुक सकती। ये सिर्फ हमें खुद पे काम करना है। अपने लिए कठोर हो जाओ, सुबह उठने का टाइम फिक्स कर दो। अगर आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हो। अगर आपका रात का शेक की जगह आपका खाने को दिल करता है तो स्पॉन्सर को फोन करो, मेंटर को फोन करो कि मेरे को इसका हल बताओ। उसके पास हल है, उसके पास हर बात का हल है, लेकिन आप फोन नहीं करते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, और उतना ही हम लोग लेट हो रहे हैं। और हम तो उसी को बता सकते हैं जो पूछता है, हम उसी के लिए टाइम निकाल सकते हैं जो हमारी बात मानने के लिए रेडी है। हर टीचर का यही हाल होता है। आपने कुछ भी जिंदगी में सीखा है, जो बंदा सीखने के लिए रेडी होता है उसके पास हमेशा टाइम होता है सिखाने के लिए। और गुरु की कोई वैल्यू नहीं होती है शिष्य के बिना, भगवान की कोई वैल्यू नहीं होती है भक्तों के बिना, टीचर की कोई वैल्यू नहीं होती है स्टूडेंट के बिना। टीचर के स्टूडेंट उसका नाम रोशन करते हैं, वो करते हैं जादू। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। आप अगर इस जिंदगी में फिट नहीं हो, आपके रिश्ते ठीक नहीं है, तो आपको अपने आप पे काम करना है। आप अमीर नहीं हो तो आपको खुद पे काम करना है। आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आप लेडीज हो जेंट्स हो, उम्र 18 साल है, 70 साल है, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ जो 5 लोग हैं जिनके साथ आप रह रहे हो, चेक करो उनकी ग्रोथ हो रही है। वो हर्बलाइफ में बड़ा कर रहे हैं, वो आइडल वेट पे आ गए हैं, वो उसके साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, उनकी टीम नहीं बन रही है, तो आप सही जगह पे हो। आपको दो लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, एक स्पॉन्सर और एक मेंटर। पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, और अगर आप उन दो लोगों के मिस कर जाओगे तो आपकी पूरी की पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है। रिस्पेक्ट की बात ये नहीं है कि हमें किसी रिस्पेक्ट की जरूरत है, ये सिस्टम है। जिस इंसान का आपका ब्रेन कहना मानने लग जाता है, अगर वो इंसान सही है और उसने वो काम किया है तो आपका कामयाब होना आसान हो जाता है। और हमारा ब्रेन ये सब जानता है, कौन कहना मान रहा है, कौन नहीं मान रहा, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये सब ऑटोमेटिक फीड है, और मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर बहुत बड़ा करें। भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलिए। और जैसे पलक ने बोला, 25 को जो हमारी मीटिंग हो रही है उसमें हम लोग बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। हर्बललाइफ 2025 में एक भी किचन ऐसी नहीं होएगी जिसमें हमारा शेक नहीं होएगा। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, 2025 में लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे आप हर्बललाइफ करते हो, लोग इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे फिट कौन सबसे ज्यादा है, सिस्टम किसका ज्यादा बढ़िया है। लोग आईडी रिजाइन करके द्वारा से लगाएंगे, ये लाइन लिख लो। लोगों को 6 महीने काम छोड़ने के लिए कोई चैलेंज नहीं है, हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बड़ा आप किसी की प्रॉब्लम को हल करोगे, देखो एक मोची भी कैंची से काटता भी है, सीता भी है, एक टेलर भी कपड़े काटता भी है, सिलता भी है, और एक डॉक्टर भी काटता भी है और सिलता भी है। डॉक्टर 10 लाख रुपया लेता है, टेलर 10,000 लेता है, और जो जूते को सिलाई करता है ना, वो तो फिर 100-200 वाला ही होता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सामने वाले की हेल्प करोगे, उतनी बड़ी आपकी ग्रोथ होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सीख के हो सकता है, ये बिना सीखे नहीं हो सकता है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत।